एरा के सबूतों के बारे में। बड़े बड़े महलों और मंदिरों के होते हुए भी हम्पी में मानव सभ्यता का सबसे पुराना सबूत मिलता है जमीन में बने कुछ छोटे छोटे गड्ढों में। दरअसल हम्पी में बने बाजारों के फ्लोरिंग के पत्थरों में कुछ अजीब तरह के छेद दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये जो छेद हैं, ये क्यों बनाए गए हैं और कैसे बनाए गए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जब हम बात पैलियोलिथिक एरा की कर रहे हैं तो उसे स्टोन एज भी कहा जाता था। मतलब तब के लोग जो होते थे वो पत्थरों में अपनी नक्काशी करते थे और पत्थरों से ही कुछ चीजें बनाते थे। और ये जो छेद हैं, ये शहर में बीचों बीच बनाए गए हैं, क्योंकि तब के जो बाजार होते थे वो शहर के बीचों बीच बनाए जाते थे। कुछ लोग मानते हैं कि ये छेद राजाओं के शराबों के कप्स को रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन क्या तब की सभ्यता भी इतनी एडवांस थी? शायद नहीं, या फिर शायद हाँ। दोस्तों, कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि ये गड्ढे मसाले को कूटने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि ऐसी ही नक्काशी मध्य प्रदेश के एक शहर में भी दिखाई देती है जो काफी प्राचीन है, लेकिन उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन क्या ये हो सकता है? शायद हाँ, लेकिन ये सबूत बताते हैं कि यहाँ पर 10 से 11,000 साल पहले इस तरीके की खोज हो चुकी थी और तब यहाँ पर मानव रहते थे, यानी कि स्टोन एज में यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई थी। ये हिस्टोरिकल एविडेंस में सामने आ चुका है। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ूं हम्पी में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में हमेशा से साउंड का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा रहा है। राइटिंग और पेंटिंग इक्विपमेंट के आविष्कार होने से सैकड़ों साल पहले ही भारत के लोगों ने स्मृति की परंपरा से अपना ज्ञान आगे बढ़ाने की तकनीक विकसित कर ली थी। इस परंपरा में लोग गुरु से मिले ज्ञान को याद रखते थे। वो इतने काबिल हो चुके थे कि वो किसी चीज को याद रख सके, यानी अपनी स्मृति में बिठा करके अप्लाई करने का खोज इस समय में भारत में हो चुका था। और इसी वजह से भारत में साउंड और एकॉस्टिक तकनीक का विकास भी प्री हिस्टोरिकल एरा में ही हो चुका था। इसी का एग्जाम्पल है 16वीं शताब्दी में बना हम्पी स्थित भगवान विट्ठल का मंदिर और उसके म्यूजिकल पिलर्स। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई मंदिरों में साउंड्स का अलग अलग इस्तेमाल दिखाई देता है, लेकिन हम्पी का विट्ठल मंदिर देश का एक नौटा ऐसा मंदिर है जहां अलग अलग म्यूजिकल नोट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पत्थरों पर उकेरा हुआ दिखाई देता है। म्यूजिकल नोट्स और साउंड्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाली इस टेक्निक का इस्तेमाल जो किया गया है इसे सिम्पेटिक कहा जाता है। और आज भी अगर आप सिम्पेटिक डिवाइस पर स्पेसिफिक म्यूजिक नोट्स बजाकर उसका ग्राफ देखोगे तो वो इस मंदिर में बने काइमोग्राफ जैसे ही दिखाई देंगे। पहले नजर में लोग जब इसे देखते हैं तो इस काइमोग्राफ को लग सकता है कि ये मंदिर की नक्काशी का हिस्सा है, लेकिन किसी जानकार को पहले ही नजर में पता चल जाएगा कि ये किसी साउंड नोट्स की क्राइमियोग्राफी ही है। दरअसल इस मंदिर के ज्यादातर खंभों यानी स्तंभ खोखले बनाए गए हैं, इसलिए इन खंभों पर सारी जगह चोट करने पर आज भी आपको मनचाहा म्यूजिक नोट यानी स्वर सुनाई दे सकता है। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर इन खंभों में से कुछ स्पेसिफिक नोट को हटाया जा सकता है तो दूसरे नोट्स को भी सुना जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है ऐसा मंदिर बनाने के लिए उस समय के आर्किटेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन के साथ साथ साउंड एकॉस्टिक की भी कुल जानकारी होनी चाहिए थी? हाँ, ऐसा ही होना होगा। और सोचिए उस समय की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी जो उन लोगों ने संगीत स्वर निकालने वाले खंभों का निर्माण कर दिया है। ये बड़े ताजुब की बात है जो टेक्नोलॉजी आज के साइंस के साथ भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे वंशजों ने हमसे 7 साल हजारों साल पहले ही विकसित कर ली थी। यहाँ के साउंड स्केपिंग ने अंग्रेजों को भी इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने
1930 के दशक में इस मंदिर में रिसर्च शुरू कर दी। अपनी रिसर्च के लिए उन्होंने इस मंदिर का एक पिलर हटा दिया, साथ ही आगे की रिसर्च को बनाए रखने के लिए एक सपोर्टिंग कॉलम को भी निकाल दिया गया। इस गलती की वजह से इस मंदिर का साउंड पहले जैसा तो नहीं रहा है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस मंदिर के अलग अलग हिस्सों में संगीत के सात स्वर आज भी सुने जा सकते हैं। प्राचीन काल में भारतीय शरीर के पांचों इंद्रियों का ज्ञान रखते थे, और इसीलिए जहां हम्पी के एक मंदिर में ऑडियो सेंसरीज तकनीक का इस्तेमाल दिखाई देता है, वहीं दूसरे मंदिर में ऑप्टिकल साइंस टेक्नोलॉजी का भी एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। दोस्तों, ये सब कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ है, ये सब निर्माण पूरी रिसर्च करके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेस पर किया गया है। इन सारी साइंटिफिक मिस्ट्रीज के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी रिलीजियस मिस्ट्रीज भी हैं, और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें। सिस्टर स्टोन कहे जाने वाले दो पत्थर यहाँ के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक। इसके साथ ही यहाँ पर हम्पी में सोने की बारिश की कहानी भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो दुनिया भर में कई बड़े बड़े शिवलिंग हैं, लेकिन हम्पी का 22 फीट लंबी मोनोलिथिक शिवलिंग ब्लैक स्टोन से बनाया गया सबसे बड़ा मोनोलिथिक शिवलिंग है। दोस्तों, मोनोलिथिक का मतलब है कि जब एक ही पत्थर से तराशा गया कोई चीज हो तो उसे मोनोलिथिक कहा जाता है। तो सोचिए, 22 फीट लंबा शिवलिंग यहाँ पर सिर्फ एक ही पत्थर से तराशा गया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक शिवलिंग है। दोस्तों, अब जिस जगह पर 1600 से ज्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस मोन्यूमेंट्स हो वहाँ की कहानियाँ सुनानी शुरू तो की जा सकती है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं, आगे हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो फिर से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, और उसमें भी एक ऐसी बात होगी जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे और आपके लिए जानना काफी जरूरी होगा।